आज है मेरा बर्थडे और हम लोग जाएंगे गाइस खलिया टॉप, बट टाइम से पहुंच जाएं क्योंकि यहाँ से खलिया टॉप पहुँचने में 4-5 घंटे लग जाने हैं। खलिया टॉप में कैंप करने का मन तो था बट चलेंगे यार नीचे, अब हम काफ़ी हो गया। अब ये हमारे कैंप लगे पीछे और ये वो झोपड़ी है, इसमें हम सोए नहीं, बहुत ठंड है यार। सामने का व्यू गाइस इट्स अमेजिंग। अभी वहाँ से सन की रेज पड़ेंगी ऐसे ऐसे, सबसे पहले इन पहाड़ों पर पड़ती है। होटल हो गई खाली, पानी कम पड़ गया, पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। कब गया वॉशरूम? मैं सुबह गया जब तुम लोग यहाँ क्या करने आए थे? इस साइड भी आए थे पानी भरने, और उसके बाद कहाँ गए थे? टॉयलेट। तब गया तो सच में वॉलेट टॉयलेट नहीं आए 2-3 दिन से? नहीं है भाई, 2 दिन से नहीं आए। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा खंडर में रुकने का। हम लोग यहाँ रुके इसलिए नहीं, टूट फूट भी गया थोड़ा सा यहाँ पे, तो सब लोग आ नहीं सकते थे, तो हम लोगों ने टेंट अपना वहाँ लगाया है। और अक्षय जल्दी पैकिंग। बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस है, आज राज का बर्थडे है। वीडियो लॉग्स यूट्यूबर क्या करना है, बस अपने आप से बातें। मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं कह रहा हूँ करते रहे, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मजे ले रहा हूँ मैं। चले क्या, आओ करण सूप ले लेंगे। दर्द टोमेटो सूप बनाया, ये गाइस ब्रेड है, सूप में डिप करके खाएंगे। ये देखो जा रहा है, वाह वाह नो जिंदा टॉफी मिली गाइस। बहुत अलग अलग चीजें सीखा यार मैं इस ट्रिप पे। पहली चीज, ब्लॉगिंग आसान नहीं है वाइल्ड ट्रैकिंग। दूसरी चीज, ट्रैकिंग आसान चीज नहीं है। अरे नाना जी भी देखते हैं यार, आई एम सो अमेज्ड यार, कमेंट करते हैं वीडियो देख के। गाइस तो निकलने की तैयारी हो रही है यहाँ पे, वो रहा हमारा खंडर एंड ये वुड घाट है जहाँ पे हम रुके थे। विल रोल फ्रॉम हियर। हम लोग यहाँ से जाएंगे ये ट्रैक करते हुए ये टॉप पे, फिर वहाँ से खलिया टॉप वहीं कहीं जो पड़ता है वहाँ पे थोड़ी देर रुक के हम लोग नीचे आएंगे अल्पाइन में। यहाँ पे कहीं अल्पाइन है जहाँ पे लास्ट टाइम भी हम रुके थे, फिर वहाँ से सीधे नीचे बन से। ट्रैक बिगिन। यहाँ पे एक इशू है पानी का इस पॉइंट से, क्योंकि इसके पास पानी है नहीं ऊपर की साइड। भाई वेट बहुत है मेरे पास, यहाँ पे कोई लैंडस्लाइड टाइप की आई हुई है, यहाँ से साइड है ना। जानवर ऐसे ही घूमते होंगे भैया यहाँ पे 100-200 साल पहले। तो बर्फ ही होगा इसमें तो, यहाँ इस जगह भी हाँ। पूरा ग्लेशियर होगा इसमें तो। ये जो पहाड़ अगर दिख रहा है आपको, ये अभी नेपाल में पड़ता है, देखिए कितना नजदीक है हम नेपाल के। नेपाल इस साइड है भैया, तो चाइना इस साइड हुआ, चाइना इस साइड हो गया। खाली हमें मिल जाएगा पानी, चलो ठीक है, यहाँ पे मैं पी लूंगा बहरे सारा फिर भरेंगे। पानी बनी जगह आ गई गाइस, लास्ट स्टॉप जो है इसके पास से खलिया पे मिलेगा पानी हमें। वो एक चीज बताऊं तुझे मैं, ये लास्ट स्टॉप है पानी का, भर लो। बहुत स्लो भरा है यार वहां से। अक्षय मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ ठीक है, एक सिप पी ले रहा हूँ यार। पानी का स्वाद बहुत अच्छा है यहाँ पे, हाँ फ्रिकिंग स्वीट। इट इज़ अ लिटिल ट्रिकी इस साइड, क्योंकि गिरे तो गए। डर लग रहा है थोड़ा सा।
है तो ट्रिकी, डेंजरस हो जा रहा है। हाँ ना, आई थिंक हमारी ट्रैक की गई भी सबसे डेंजरस चढ़ाई थी। थोड़ी सी और कर लो भाइयों, डेंजरस है भाई, रिकॉर्ड भी करना है। कहीं पे हाथ भी लगाना पड़ रहा है। चलो जा बस भाई, कहीं से भी। आज तो बिल्कुल भी बादल नहीं है, सामने तो होने चाहिए। वो देखो थोड़े से वो वहां से आ रहे हैं। जो हमने किया है उसको हाइकिंग बोलते हैं, बट ये ट्रैकिंग है सही मायने में। हाइकिंग पाथ पे होती है और ट्रैकिंग ऐसे रास्तों पे। देयर यू हैव टू मेक योर ओन पाथ। ये रास्ता बहुत ट्रिकी है, एकदम खड़ी चढ़ा। ये देखो ओह पैर फिस रहा, ये सब वियर्ड रास्ता है। चल आगे क्रॉल करके भी ज्यादा हटना। आ गया मैं ऊपर ना, एक्चुअली ये फंस रहा है ऊपर, ले रहा हूँ यार, क्रॉल करना पड़ेगा। हाँ दैट वाज टायरिंग। ये जगह है बहुत डर की। लादे निकल आया मैं। तो डर लग रहा ऊंचाई से। हाँ था क्या ये पैच भाई? ठीक है करंदू, अक्षय की फटी पड़ी है। तो उस साइड से क्यों नहीं आ रहा है? पेड़ों में घुस घुस के क्यों आ रहा है? देखा नहीं ना मैंने। कल रात हम लोग वहाँ थे, आई मीन खंडर कहाँ पर है? ये इधर। फर्स्ट नाइट, सेकेंड नाइट, ठीक है अब हम ये चलते हुए वापस यहाँ बैठे। भैया के बैग में स्ट्रैप भी नहीं है। इन द मिडल ऑफ नोवेयर है ना, काइंड ऑफ। अभी भी बहुत खड़ी चढ़ाई है, चलते जाना बस। थका देने वाला व्यू है यार, थका देने वाला रास्ता है। पेड़ फंस जा रहे हैं यार, थोड़ी और चढ़ाई बाकी है। पहुंच गए गाइस। और ये देखिए यहाँ पे मंदिर है भैया स्पेशली यहाँ के लिए, अगर बस्ती और बोले कहते। लाइटर नहीं चल रहा है उत्तराखंड तो देवभूमि, नेवर टू फॉरगेट। सो ऐसी आपको हर चोटी पे ऑलमोस्ट पहाड़ के उत्तराखंड में मंदिर मिल जाएगा। आई थिंक हिमाचल में भी ऐसे ही है। क्यों सांस नहीं आ रही, आंखों के सामने अंधेरा, वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था, बिल्कुल ऐसा मेरे बॉडी में जान नहीं, हिम्मत जवाब दे रही थी भाई। अब ठीक है तो इतनी सी चढ़ाई चलने के लिए तो हिम्मत है थोड़ी सी। फटी हुई है गर्म की रियली टायरिंग ट्रैक। मेरे हिसाब से पहले दिन डिफिकल्टी लेवल था 6 out of 10, सेकेंड डे 4, आज डिफिकल्टी लेवल है 8 out of 10। सीधी चढ़ाई है, चलता हूँ मैं भी। वो सामने शायद खलिया टॉप है। रेस्ट फॉर अ वाइल, बैक का बहुत वेट होता है यार।
फालतू तो मर गए ओए। ठीक है तेरे को जो उल्टी लग रहा था सच में लग रही थी यार, ये ठंड होगी हो सब मिक्स हो गया, ठंड दारू चढ़ाई उल्टी दवाई है, उल्टी दवाई नहीं लाया ना, पानी दे उसको पानी दे दिया, अभी वो उल्टी कर रहा है मत पिलाओ पानी। हाँ तो तैयार रख रहा हूँ कुल्ली के लिए उसके, आराम से कर चल भाई। नींबू है नींबू चाट, नींबू चाटेगा मैं देख रहा था मैं थोड़ा जब मैंने नीचे आपको पास दिया था ना ऊपर चढ़ रहा था मैं भैया को ही देख रही तो साले रेंग गया था वहां में रेंग गया अक्षय वहां में रेंग गया बास्टर्ड। ये देखिए भाई थोड़ा डेंजरस है स्पेशली इतने वेट के साथ, ये जगह बहुत अच्छी थी, यहाँ से सब कुछ सारे पीक दिख रहे थे, इतना सामान पहली बार कैरी कर रहा हूँ अक्षय है ना, बट आई थिंक दैट्स जस्ट यूजलेस मत कर पीठ पे जग कंधे पे शोल्डर पे जड़ नहीं रहने देता, हम दोनों भाइयों का बर्थडे समझ लो एक ही दिन है यार, एक ही दिन होता है इसका, एक दिन पहले होता है मेरा एक दिन बाद होता है, चढ़ाई नहीं है लेकिन डिफिकल्ट क्लाइम है। ये कौन बैठा है सर, आप कहाँ जा रहे थे? धन पिटने लग रहे हैं आप, नमक से आ रहे हैं, उल्टी हो गई थी एक्चुअली ने हाइट से कितनी फटती है मैं तो ये देख रहा था, हाइट से फटती है, ये पेड़ आ रहे हैं बीच में, ये पुल बैक करता है। हाँ तो तू पता क्या कर रहा था, तू पेड़ों की तरफ से घुस रहा था क्योंकि खाई थी यार, पता ऐसे होता है आपको पता नहीं चलेगा बट आप यू विल ग्रो आउट ऑफ दिस फियर। सही है यार एकदम, तो पेड़ बैग्स बचा के जब आप ट्रैक करोगे ना तभी आपको ऐसी ऐसी जगह मिलेंगी वरना नहीं मिलेगी भाई, वरना खाए खच्चर ओनली, यहाँ पे कोई नहीं है भाई, यहाँ पे सिर्फ हम है। इसको कहते हैं भैंसिया ताल, यहाँ पे करण नहाएगा ना के दिखाएगा ना के दिखाएगा बट करण के चेहरे पे स्माइल नहीं है। पहले यार खलिया पे कैंपिंग करने का प्लान था, अब खलिया में कैंपिंग नहीं करेंगे हम, कि रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है खलिया टॉप पे कैंपिंग करने के लिए, पहले भी थी बट रिसेंटली खुल गई थी और अब फिर से हो गई है। गाइस ये भैंसिया ताल है, इसको भैंसिया ताल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ भैंसिया ताल है। यहाँ पे बर्फ भी गिरी हुई है, आई थिंक ये तो ओले और बर्फ का मिक्सचर है कुछ। होटल हो गई खाली हमारे पास और जहाँ पानी है वो जगह करीब एक घंटा दूर है, और करण की हो गई तबीयत थोड़ी ख़राब यार, सो सॉरी यार भाई, दो बार उल्टी हो गई इसको बेचारे को, हमारे इस वीडियो से इतना तो पता चल ही गया होगा कहाँ पे जाने में कितना टाइम लगता है और कहाँ पे पानी है और क्या डिफ़िकल्टी लेवल है किस रूट का। खाली टॉप आप सीधे भी जा सकते हैं और मैं जा चुका हूँ तो हम पीछे के साइड से जाएंगे। ये कौन से पेड़ बता रहे हो यार? भोजपत्र, ये वाले इनकी छाल पे लिखे है वेदा वगैरह, ये वो पेड़ इनकी छाल पे लिखा है दादा, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, ये रख लेना। अब जाके थोड़ी सी ढलान वाली स्टेच आई है, बहुत भारी बैग है आज, सच में ये एक्सपीरियंस था भाई मेरी लाइफ का, आई थिंक ये मेरी लाइफ की हार्डेस्ट ट्रैक है, बट अच्छी बात यह है इस ट्रैक की यहाँ पे हर स्पॉट से आपको हिमालय व्यू दिखते हैं, जस्ट वांट टू लुक मैन फॉर सम टाइम। कोई बांधे शूले सर, थैंक यू भाई, चलो ये तरीका निकलने का, घूम जाओ बिल्कुल नहीं मत हो रही है, बिल्कुल नहीं मत नहीं है, आ जाओ आ जाओ यार, मैं नीचे से जाना ऊपर भी चढ़ना पड़ेगा, सिर्फ नीचे, सिर्फ सिर्फ नीचे, स्लोप में नीचे जाना है वो भी घास वाले फील्ड में, नॉट इवन लाइक पत्थर पे, चल हिम्मत कर, रात हो रही है, चल भाई। नहीं अक्षय
एवरीथिंग इज ऑल राइट बेटा। बहुत स्लिपरी है। आई नीड रेस्ट। थक गए गाइस। थोड़े दूर हैं पानी वाली जगह से। पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। मैं पानी कम पड़ गया। ये पूरा पार करके आया। हम लोग गाइस पहुंच गए हैं खलिया टॉप, वो भी पीछे के द्वार से। खलिया टॉप के और डेंजरस वाले रास्ते से आए हम लोग गाइस। डर मत, डर मत, शाबाश। डेंजर तो बहुत है यहाँ पे। यार यहाँ से ऊपर जाना है, ये तो बहुत ही अजीब रास्ता हो गया। यही बहुत अजीब है, यहाँ से गिरे तो भाई। ओह डर तो मुझे भी लग रहा है यहाँ पे। शाबाश। कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यार। चल वो देखो उतर भी गया। फट गई ना थोड़ी सी यहाँ पे। मेरी भी फट गई यार, मेरी भी फट गई यहाँ पे। तो बहुत पतला रास्ता है यार। ये देखिए यहाँ से कैसे आए भैया। डिफिकल्ट वाले रास्ते चले। वहाँ पे हमें पानी मिल जाएगा वो नहर में। स्लैंटेड उसको भी आने दे। तीनों चलते हाथ में यार। चल 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 इधर जाना है। हाँ तो चलना। कैसे? इधर से इधर जा। ये ले राइट साइड में, फुल लेफ्ट ये वाला रख। आ जा। कंधा पकड़ ले। आओ भाइयों थोड़ी और हिम्मत कर लो यार। ऑलमोस्ट खलिया टॉप। करण भी आ गया। And Akshay is also here. So long. After 2 years, I'm back. चल वहाँ कहीं मस्ती काट रहे थे हम। So guys, this is why they banned camping at Khaliya Top. आप देख सकते हो अपनी आँखों के सामने। I mean garbage everywhere. Pepsi bottle, शराब की bottle. पानी मिल गया अक्षय। पानी के बिना कुछ नहीं हो सकता guys. हर हूँ। साफ पानी मिल गया। चलो पानी। ओए ये resort तक चल जाएगा पानी। ग्रीन माउंटेन वाटर। बस पानी भरना है। अब जाके चैन मिला है भाई। प्यास लगी अक्षय? खत्म करा फाइनली मैंने। वी हैव रीच्ड खलिया टॉप। सॉर्ट ऑफ आई थिंक दैट इज खलिया टॉप। आप जैसा चाहोगे वैसा होगा नहीं अक्षय। बहुत सारी चीज़ें सोची थी हम खलिया टॉप आएंगे टाइम पे, बट यहाँ पे धूप भी नहीं है। सो मैक्सिमम 10-15 मिनट विल हॉल्ट हियर। और यहाँ से मुंसियारी जाएंगे। कैंपिंग भी अलाउड नहीं है यार यहाँ तो, नहीं तो हम यहीं कैंप कर लेते। पता है सुबह सनराइज दिखाता मैं आपको। वहाँ कहीं से पीछे पीछे जंगल 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 जंगल। फिर ये पार्ट तो बहुत अजीब था भाई। जा रहे नीचे, चलो हम भी चलते हैं। हम लोग को भी चलना चाहिए अब यहाँ से। चुप है छोटू, चलना नहीं है तेरे को? चलना नहीं तेरे को? ये हस्ता लो विस्ता ला बेबी। पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। दिस व्लॉग वॉज नॉट अबाउट डेस्टिनेशन, इट वॉज अबाउट द जर्नी। ऑल ऑफ दीज व्लॉग्स But not about destination. It was about journey. I hope आपको मेरी जर्नी अच्छी लगी हो। हालांकि अभी बची है लेकिन अभी तक की आई होप अच्छी लगी हो। सुसु कर रहे हैं यहाँ पे, हाथ डाल के खड़ा है वो। फिर कहूँ कहाँ से आ गए तुम्हें से तू कर दे। ओह माय गॉड। पानी है क्या?
हम दोनों भाइयों का सही रहा है ना बर्थडे। हम दोनों भाई पहली बार इस तरह से निकले हैं। बर्थडे हमारा अक्सर फैमिली में बनता है, बड़े फैमिली गाय हैं हम लोग यार वैसे। यार ये बुग्याल देखो पीछे कितना सुंदर है। खालिया टॉप गाइस, खालिया टॉप मैं नहीं जा रहा हूँ और 0 पॉइंट तक हम ऑलमोस्ट गए हैं। आपको अगर पूरा हमारा ट्रैवल देखना, मैं सेकंड टाइम आया हूँ खालिया टॉप, थर्ड टाइम मुनस्यारी आया हूँ। मेरे सबसे सक्सेसफुल व्लॉग मुनस्यारी के ही रहे हैं, मुनस्यारी की सीरीज के। यार थोड़ी देर के लिए पंचाचूली एकदम क्लियर हो गया, दिख रहा है आपको? वो उधर ऐसा मौसम हो रहा है, आजा। ये मैंने अक्षय की टोपी पहन रखी है, थोड़ी अजीब सी लग रही होगी छोटी। ये देखो ये बड़ी है, तेरे कैसे आएगी? ला दे दो। मेरे बाल। अब हम जा रहे हैं अल्पाइन। अल्पाइन में भैया लोग पहुंच गए हैं, करण को भी निकाल दिया हमने और हम सीधे नीचे उतरेंगे। मेरा रिकॉर्ड करेगा the view around me. देख रहा आपको? मुझे यहीं छोड़ दो। गाइस ये मुनस्यारी की सबसे फेमस डेस्टिनेशन है खालिया टॉप, वो है खालिया टॉप। वहाँ हम नहीं जा पाए लेकिन मैं गया हूँ। करण गाइज वो देखिए, वो रहा मुनस्यारी, वो रही पंचाचूली टू। उधर नहीं सॉरी यार, खालिया टॉप प्रॉपर नहीं दिखते, नहीं दिखा पाए। मेरा खालिया टॉप का दूसरा पहले वाला वीडियो देख लेना खालिया टॉप देखने के लिए। रुको, अजीब फीलिंग है यार ये, मतलब छोड़ जाने का दुख भी है लेकिन पहुंचने की खुशी भी है क्योंकि बॉडी चूर चूर हो गई है ना मोटे मोटे। मैं अपने भाई को प्यार से बोलता हूँ, खबरदार किसी और ने बोला व्लॉग में तो। वैसे तो बड़े खतरनाक खतरनाक कमेंट्स आते हैं कभी कभी, याद आ गया एक दो तो। वो देखिए कौन बैठा है वहाँ पे, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज ब्रो। अभी हमारे साथ चलेंगे क्योंकि अभी इन्हें घसीटते हुए ले जाएंगे हम। आधा काम वो करके आधा काम हमें करना पड़ेगा। करण साहब मजाक करने में डर लग रहा है बेचारा, क्योंकि ना He's really... करण पहुंच गए भाई, है दूर बट सिर्फ ढलान है। अबे ढलान में भी मेरे पता है साइज में उतना ही प्रेशर पड़ रहा है। हिम्मत कर ले यार थोड़ी सी, होटल में रुकेंगे गर्म पानी से नहाएंगे यहाँ पे भाई। ये गर्म पानी और लाला तू चिकन, ओ चिकन, ओ बियर एंड केक, कुछ नहीं होगा पता है। मैं जाकर रजाई में लेट जाऊंगा बस, बॉनफायर हिलूंगा नहीं अगले 2-3 घंटे तक बेड से, पता है मैं तो। अभी हम लोग जा रहे हैं अल्पाइन में, ये है अल्पाइन, यहाँ पे हम रुके थे। वो ग्रीन टेंट दिख रहे हैं वहीं पे हमारे टेंट लगे थे। उसके बाद हम चाय नाश्ता करके नीचे जाएंगे। ये जंगल का रास्ता जो दिख रहा है वो हमें शायद टॉर्च जला के अंधेरे में पार करना पड़ेगा। थोड़ा स्पाइसी कर देना। भाई 0 पॉइंट से आ रहे हो क्या? नहीं हम तो पीछे से है। अच्छा बहुत लंबे ट्रिप से, कितने दिन के लिए गए थे हम? 3-4 दिन। आप लोग कहाँ से भाई? लोग पिथौरागढ़। चेयर बैठ के अच्छा लग रहा है ना? बहुत अलग सा अच्छा सा लग रहा है। कितनी सिंपल सी चीज ये चेयर, इतनी बड़ी लग्जरी की चीज है पता है। करण आएगा दोबारा अक्षय और अगर अगली बार की टॉप ले लीजिए सच्चाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। बॉन फायर करवा देगा करण? हां सस्ते बताइए एक चीज, हां हमारे साथ आएगा दोबारा? हां
चलो कोई बात नहीं यार, वेल डन करण, वेल डन अक्षय, एंड हैप्पी बर्थडे टू मी। चीयर्स टू दैट गाइस, आ जाओ हवा में ऊपर। या चीयर्स। मैगी आ गई है, क्या बात है, हमके भाई मिल गए, देखो वापस हमें यहां कनाडा हो गए भाई। इनको पे कितने करना है? 90 रुपए चाय की हो गए, 300 रुपए मैगी। 390 जो जिस चीज के लिए मैं एक्साइटेड हूं दोबारा आने के लिए यहां पे, वो है स्कीइंग। ऑल्दो ओली में भी होती है, बट यहाँ पे कुछ नया है और यहाँ पे की यहाँ की बात अलग है। देखिए बूट रखे हुए हैं सारे, दे हैव ऑल द स्कीइंग इक्विपमेंट्स, सारा स्टॉक करके रखा है सुरेंद्र सर ने भाई। सुरेंद्र सर का मुंशियारी की टूरिज्म को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा हाथ है, एंड आप लोगों ने सपोर्ट करें, यहाँ पे आएँ, अल्पाइन में रुकें, बुकिंग करें, लेकिन तमीज़ से कचरा ना करें। बॉडी हम लोग खुले में कर रहे हैं, इसकी वजह से सब चीज़ें होती हैं, बैम हो जाता है ये सब चीज़ें, कुछ दिख नहीं रहा है। यहीं पर मिला था मैं तुमसे पहली बार भाई, हाँ यार वहाँ टेंट लगाया था सामने। तो गाइस यही वो जगह है, लास्ट टाइम हम लोग रुके थे, अभी टेंट देख के यार याद है ताज़ा हो गई पुरानी। और हम लोग यहाँ से मोस्ट प्रॉब्ली अंधेरा हो चुका है, पूरी नाइट ट्रैक है, नीचे एक पॉइंट है वहाँ पे टैक्सी मिल रही है, टैक्सी से हम अपनी गाड़ी तक जाएंगे। टैक्सी के लिए 500 रुपये अलग से खर्च करना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं यार। सबसे पहले बर्थडे विश करिए आई थिंक। हेलो कविशा। हाँ भाई, थैंक यू कविशा, थैंक यू। हम लोग नीचे, तो हम लोग यार ट्रैक पूरी कर लिया आज ही। हाँ, खलिया पे ना कैंपिंग अलाउड नहीं है एक्चुअली। कविशा गजब यार, पहाड़ी खंडर में रुके हम यार, चिकन बनाया, खाना बनाया, खुद बनाया, खुले में टट्टी करी। ओके बाय कविशा, आवाज कर दी उसकी वजह से भी सर। बिल्कुल अंधेरा है गाइस यहाँ पे, अगर टॉर्च ना जलाएं तो। हाँ शक्ल पे मार टॉर्च एक बार अपनी, लेट्स गो मैन। भाई मेरी भी हिम्मत जवाब देती है कभी कभी। भैया स्ट्रेंथ का कोई जवाब नहीं, भैया आपकी ताकत का भैया। हेलो, हाँ पापा। अरे क्या बात है, क्या हाल है पापा? हम लोग पहुंच रहे हैं बस मुंशियारी नीचे। अरे इसकी जल्दी लौट भी आए, हमने आज कवर कर लिया डिस्टेंस। अरे वाह, जो मम्मी भी बैठी है। अरे हैप्पी बर्थडे बेटा, हमको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मम्मी पापा, आज हैप्पी बर्थडे है तुम्हारा। हाँ आज मेरा बर्थडे। अरे मम्मी मैं मेरा बच्चा खूब खुश रहो, तुम नीचे उतर आए? हाँ नीचे उतर आए हम, ठंड थी बहुत ना वहाँ? हाँ यार ठंड थी, लेकिन हमारे पास सारी चीज थी ना, और हमारे साथ भाई लोग गए थे, वो बड़े एक्सपर्ट थे यार, उन्होंने बहुत मदद करी, बहुत ध्यान रखा यार। अच्छा उतर रहे हो, कहीं चल रहे हो लग रहा? अभी ना ट्रैक खत्म हो रहा है, हम लोग नीचे पहुँच गए बस। अरे मेरे अच्छा नोनू, तुम दोनों को बहुत 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 खुशियाँ मिले, खूब स्वस्थ रहो, खूब खुश। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। हाँ बाबा हम आगे नीचे। हाँ बस ठीक है। अरे हमने बहुत मजे किए यार पापा। यार इतने लंबा किलोमीटर, 25 किलोमीटर तुमने कैसे सफर कर लिया? अरे 30-40 किलोमीटर। चलो ठीक है, मैं ट्रैक खत्म करके फोन करता हूँ आपको, ठीक है? ओके बाय। ये थे मेरे पेरेंट्स, जैसे सबके होते हैं। माउंट एवरेस्ट चढ़ के आ गए बेटा उनका, बट ठीक है मामूली ट्रैक था, लेकिन मेरे लिए गैर मामूली था। तो दे वर हैप्पी टू सी मी सेफ एंड साउंड, एंड दैट आई हैव एंजॉयड दिस ट्रिप। चलो अब मुंशियारी आने वाला है, नीचे मिलता हूँ। वो गाड़ी खड़ी है रोड पे, टैक्सी जिसका मैं इंतजार था। फाइनली वी हैव अराइव्ड, हम पहुँच गए रोड, वी हैव रीच्ड। ये बुलेरो जा रही है हमारी वहां तक, और हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी में भाइयों। वी आर बैक इन अवर कार, और वापस जा रहे हैं हम होटल। फॉर अ रिलीफ दिस हैज बीन भाई। करण तो अब जाके बोला है कुछ, करण को लू जाना है, करण बोला था 1.5 घंटा में बैठूंगा। टट्टी जाना है? हाँ बोल रहा था उससे पहले 1.5 घंटा में। एक्सक्यूज मी गाइस। हेलो गाइस वी आर बैक। 3 दिन आदमी को स्ट्रेस था कि खुले में हगेंगे कैसे। अरे बहुत पेनफुल हो सकता है, लेकिन कपड़े झाड़ के रखने, करण 3 दिन बाद पॉटी हो गया है भाई। कपड़े झाड़ के रखने हैं, कैसे रखने हैं? वापस आ गए हैं इतने लंबे से ट्रैक से, टोटल डिस्टेंस तो मुझे भी नहीं पता, मोर देन 32 में, मतलब हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट ट्रैक था ये। तो करण ने स्टार्ट ही जो हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट था उससे किया भाई। और भाई मैं सच बताऊँ, आशीष भाई और जो मनोज भाई थे गेस्ट अपीयरेंस में, जो हमारे MK भाई थे, मैं बार बार उससे पूछ रहा हूँ, भैया आपका नाम मनोज है? हाँ जी सर।
तो फिर दो कदम बनी जगह आपका नाम मनोज है भैया? कहते हैं हाँ जी सर। वो नहीं जगह मेरा भैया आपका नाम मनोज है कैसे भैया आप आगे चलो। पर तू ऐसा क्यों बोल रहा था आपका मनोज है? आई होप आपको ये हमारा आज की जर्नी अच्छी लगी हो। अभी दो व्लॉग और रहेंगे, अभी एक व्लॉग और आएगा, मैं दोनों बोलते रहे एक भी ले लूंगा उनमें से। हम लोग जा रहे खाना खाने। दिस इज एंड ऑफ व्लॉग, स्टे ट्यून, मोर व्लॉग कमिंग। करण संभल के, करण ध्यान से पैर ना फिसल जाए। नीचे खाइए करण। करण का इंजेक्शन कर रहे हूँ करण।